वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडो स्टार के स्टॉक के बारे में यहाँ पे, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे कैसी रही इंडो स्टार की। तो आ जाते हैं यहाँ पे जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे लैक्स में दिया गया है, स्टैंड अलोन रिजल्ट है और इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी दिया गया है। तो हम आ जाते हैं डायरेक्टली कंसोलिडेटेड में। ये जो वैल्यू दिया गया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लैक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल इनकम आई है, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन वो 477 करोड़ आई है और लास्ट ईयर यहाँ पे कितना आया था, 306 करोड़, और सॉरी लास्ट क्वार्टर 306 करोड़, लास्ट ईयर कितना आया था 289 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनकम बढ़ गई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकम क्या हुई, बढ़ गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं कि इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। एक्सपेंसेस भी, खर्चे भी यहाँ पे बढ़ेंगे उसी हिसाब से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकम बस बढ़े, खर्चे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। 438 करोड़ खर्चा हुआ है जबकि लास्ट क्वार्टर 287 करोड़ और लास्ट ईयर यहाँ पे 211 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे बढ़ के आया है 39.21 करोड़, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 19.09 करोड़ और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 77 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर कम हो गया जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ के आया है। और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करें, आफ्टर टैक्स भी देखोगे तो 35 करोड़ यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आया है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 17 करोड़ के आसपास आया था, लास्ट ईयर यहाँ पे 75 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आई है, जबकि रेवेन्यू यहाँ पे हाईएस्ट एवर आया है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखनी है। तो हम रिजल्ट यहाँ पे एवरेज ही कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज ही रिजल्ट है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया है और मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पे जो खर्चे हैं उसको कम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आराम से मेंटेन हो जाएगी। आपको नंबर कैसे लगे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।